बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम PSY504 कोगनेटिव साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 21 का आगाज़ करेंगे। लेसन नंबर जो 21 है वो पैटर्न रिकॉग्निशंस को ही है और काफ़ी अटेंशंस की तरह काफ़ी मतलब के टॉप लेसन पे मुश्तमिल था। लेसन अटेंशंस भी काफ़ी लेसन्स पे मुश्तमिल था और 21 में भी पैटर्न रिकॉग्निशंस को लेकर कंटिन्यू किया गया है। अच्छा, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स का जिक्र किया गया है। इन द स्टार्टेड न्यूरल नेटवर्क्स किया है तो आपको मैं बताता हूँ इस पूरे पैराग्राफ में, ओवरऑल पैराग्राफ में क्या कहा गया वो मैं अपनी वर्डिंग्स में आपको बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क्स को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। मैकलेलैंड और रमहार्ड ने 1981 में एक पैटर्न रिकॉग्निशन नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क का काम यह है कि वो बॉटम अप और टॉप अप प्रोसेस का पैराडॉक्स सॉल्व करता है। मैकलेलैंड और रूमेल हार्ट ने ये मॉडल बनाया ताकि हम समझ सकें कि हम वर्ड्स के स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं ताकि लेटर्स को पहचान सकें। इस मॉडल में इंडिविजुअल फीचर्स मिलकर लेटर्स बनाते हैं और लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं। ये एक कनेक्शनिस्ट मॉडल है जो ज़्यादातर एक्साइटरी और इनहिबिटरी एक्टिवेशंस प्रोसेस पर मबनी है। जब हम फीचर्स को डिटेक्ट करते हैं तो ये लेटर्स को एक्टिवेट करते हैं। नीचे जैसे कि डायग्राम्स में आपको ये वाले, जब फीचर्स को हम डिटेक्ट करते हैं तो ये लेटर्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब लेटर्स एक्टिवेट होते हैं तो दोबारा से प्रोसेस होकर भी एक वर्ड्स रिकोगनाइज होता है और लेटर्स को वर्ड्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन कुछ लेटर्स और वर्ड्स आपस में एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। ये एक्टिवेशन नीचे से लेटर्स तक भी स्प्रेड हो सकती है ताकि वर्ड्स अपने लेटर्स को सपोर्ट करें और इनको पहचानना आसान हो जाए। इस प्रोसेस में एक ज़्यादा एक्टिवेट होके इस प्रोसेस में एक वर्ड ज़्यादा एक्टिवेट होके अपने लेटर्स को सपोर्ट करेगा और दूसरा वर्ड्स को इनहिबिट करेगा। ये वर्ड सुपीरियरिटी इफेक्ट के सबब बनता है जिसमें एक वर्ड अपने लेटर्स को ज़्यादा बेहतर पहचानता है। मैकलेलैंड और रमर हर्ट का इंटरैक्टिव एक्टिवेशन मॉडल काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये न्यूरल प्रोसेसिंग को समझने में मदद करता है कि हम पैटर्न रिकॉग्निशंस कैसे करते हैं। अच्छा, इस मॉडल में जैसे कि इस मॉडल में हम देखते हैं, ये ऊपर जो मॉडल आपको शो हो रहा है, इस मॉडल में हम देखते हैं कि हर लेटर अपने फीचर्स की वजह से पहचाना जाता है और हर वर्ड अपने लेटर्स की वजह से एक्टिवेट होता है। जिस तरह वर्ड, ये एक वर्ड है तो हमारे स्टिमुलस ने ये वर्ड को रिसीव किया, फिर होगा कि जिस तरह वर्क है तो वर्क के जिस तरह वर्ड है या वर्क ले लें, चार लेटर्स में उसको कन्वर्ट किया इसने, चार लेटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि जब ये स्टिमुलस रिसीव कर लेता है तो उसको पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। ये WOR के वर्क पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशंस मॉडल से इस तरह काम करता है कि इससे मॉडल को न्यूरल नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये नोड्स और कनेक्शंस पर मबनी होता है। ये छोटे छोटे आपस में जो आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी, ये बॉक्स एक किस्म का नोड्स का काम करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस ने वर्ड्स लिया, कोई भी जो हम रीड करें उसको फीचर डिटेक्टर्स में बॉक्स में, मतलब कि नोट्स में भेजने के बाद फिर लेटर डिटेक्टर्स केयर करते हैं कि लेटर्स कौन कौन से हैं। देन उसको फिर वर्ड डिटेक्टर्स जो है हमारे ब्रेन का परसेप्शन, उसको एनालाइज करने के बाद आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह से काम करता है? न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो डिफरेंट लेवल पर एक्टिवेट होते हैं नोट्स में, मतलब कि नोट्स में क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग लेवल होता है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंस लेवल पर एक्टिवेट होती हैं जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, अहम यूनिट्स जो है वो नोड्स हैं। आपसे एमसीक्यू इसमें पूछा जा सकता है कि प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है जो न्यूरल नेटवर्क में, तो नोड है। लिंक
लिंक की बात करें तो ये नोड्स को आपस में जोड़ते हैं एक्साइटरी या इनहिबिटरी कनेक्शंस के जरिए। एक्साइटरी एक्साइटरी में क्या होता है कि ये कनेक्शंस नोड्स के एक्टिवेट करता है। इनहिबिटरी ये कनेक्शंस नोड्स को समझने नोड्स को स्विच ऑफ करता है। वेयर्स लर्निंग में ये वेयर्स एडजस्ट होता है ताकि नेटवर्क अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे। तो लर्निंग में जो है वो जो है ना वेयर्स एडजस्ट होता है, मतलब कि कौन सा वर्ड किस परसेप्शंस के साथ फीचर के साथ फीचर एनालिसिस में जैसे पढ़ा था कि कॉमन फीचर्स इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनकी ये जो स्ट्रेंथ होती है वीकनेस होती है वेट होता है, तो उसके बेस पे हम फिर एडजस्टमेंट करते हैं वेयर्स न्यूरल नेटवर्क के इस कंसिस्टेंट की बेस पर। उसके बाद नोड्स का बताया गया है, नोड्स प्रोसेसिंग यूनिट्स है लेकिन न्यूरॉन्स नहीं है, ठीक है। नोड्स प्रोसेसिंग यूनिट्स है लेकिन न्यूरॉन्स नहीं है। नोड्स को हम लेटर्स वर्ड्स या फीचर्स के तौर पर समझ सकते हैं। डायग्राम में जो बॉक्स दिखाया गया है ये आपको, ठीक है, डायग्राम में जो बॉक्स दिखाया गया है वो नोड्स हैं और लाइंस लिंक हैं जो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये लाइंस जो है वो लिंक्स हैं जो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना सारे नोड्स हैं। इसी तरह आपको ऊपर भी यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे दायरे या सर्कल मिल जाएंगे, तो ये भी एक किस्म का नोड्स हैं। तो ये आपको ये लाइनें दिशा हो रही हैं तो ये लिंक्स हैं, इसलिए न्यूरल लिंक्स के तौर पर ये एक डायग्राम बनाई गई है, एक कंप्यूटर समझ लें शायद। आगे है पैटर्न्स ऑफ कनेक्शंस। पैटर्न्स ऑफ कनेक्शंस नोड्स के दरमियान कनेक्शंस होता है जो या तो एक्साइटरी या जो या तो एक्साइटरी होता है या इनहिबिटरी कनेक्शंस के स्ट्रेंथ डिफरेंस होती है। एक्टिवेशन रूल्स स्पेसिफाई करता है कि कैसे एक नोड अपनी एक्साइटरी और इनहिबिटरी इनपुट्स को कंबाइन करे। तो ये पैटर्न्स ऑफ कनेक्शंस में इनपुट्स को डिफाइन करने के लिए एक्साइटरी और इनहिबिटरी जो है वो इनपुट्स करते हैं ताकि एक्टिवेशन रूल जो है वो स्पेसिफाई हो सके और कनेक्शंस बन सके, स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सके और जो है ना वर्ड्स का जो है ना वो कनेक्शंस हो सके इनके रूल्स के मुताबिक, एक्टिवेशन रूल्स के मुताबिक। आगे बात करें एक्साइटरी कनेक्शंस की, तो ये वो कनेक्शन है जो दूसरी नोड्स को एक्टिवेट करता है। जैसे से पता है ये एक इसके साथ नोड्स के साथ कनेक्शन हुआ, खाली बॉक्स है, लेकिन यह है कि इसमें फीचर डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और फीचर कौन से हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व। तो जैसे कि हमने फीचर एनालिसिस का एक मॉडल भी पढ़ा था जिसमें जो वर्ड्स की जो कैपेसिटी होती है जो उनके कॉमन फीचर्स की, उसमें ज़्यादातर यही इन्वॉल्व होते हैं, कोई कर्व की सूरत में या कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की सूरत में या लिखे जाते हैं। तो फीचर डिटेक्ट हुआ, फीचर डिटेक्ट करने होने के बाद भी जो कनेक्शन है दूसरी नोड्स के साथ, ये जो अब ये कनेक्शन इस नोड्स के साथ हो गया लेटर डिटेक्टर के साथ, तो ये एक्साइटरी कनेक्शंस करता है। इनहिबिटरी कनेक्शन ये वो कनेक्शन होता है जो दूसरी नोड्स को डीएक्टिवेट करता है। अब जैसे बात है कि स्टिमुलस ने हमारे आंखों ने या हमारे कानों ने जो है वर्ड सुना है तो उसको फीचर डिटेक्टर्स के साथ डिटेक्ट हुआ है। अब यह है कि स्टिमुलस से डीएक्टिवेट हो गया है, तो ये इनहिबिटरी प्रेस है, पहले वाली नोड से डीएक्टिवेट हुआ है। अब फीचर से अब लेटर डिटेक्टर्स के साथ जो कनेक्शन हुआ है फीचर एनालिसिस के बाद, तो फिर क्या हुआ कि फीचर से जो डीएक्टिवेट कर दिए है इनहिबिटरी कनेक्शंस ने, अब सिर्फ लेटर डिटेक्टर्स की तरफ प्रोसेसिंग हो रही है। तो लेटर प्रोसेसिंग से फिर जब वर्ड डिटेक्टर्स की तरफ जाएगा तो फिर उसका जो लेटर डिटेक्टर्स है वो ऑफ हो जाएगा क्योंकि डीएक्टिवेट कर दिया इनहिबिटरी कनेक्शंस ने। ओके, आगे है स्टेट ऑफ एक्टिवेशंस। स्टेट ऑफ एक्टिवेशंस नोड्स को एक्टिवेशंस लेवल अलग अलग हो सकते हैं। जब कोई नोड्स का एक्टिवेशन लेवल कॉन्शियस थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है तब हम उसे महसूस करते हैं, जैसे वर्ड में लेटर को के को हम तब महसूस करते हैं जब ये इनफ एक्साइटरी इनपुट से एक्टिवेट होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड लफ्ज़ कौन सा हमारे आंखों ने देखा, वर्क देखा, तो यहाँ से लेटर से होते हैं जब वर्ड डिटेक्टर्स की तरफ जाएगा
तो क्या होगा कि तब हम महसूस करेंगे महसूस करते हैं कि थ्रेशोल्ड से ऊपर मतलब कि कॉन्शियस लेवल में जाकर एक्टिवेशंस क्या होती है, और ये जो एक्टिवेशंस जो प्रोसेस है कॉन्शियस माइंड में वो स्टेट ऑफ एक्टिवेशंस है। तो स्टेट ऑफ एक्टिवेशंस में कॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशंस होती है। तो वर्ड्स को पहचानने के लिए कि कौन सा हमने वर्ड्स देखा था। ओके उसके बाद है आर लर्निंग रोल। लर्निंग रोल तब होती है जब एक्साइटरी और इनहिबिटरी कनेक्शंस के वेट्स चेंज होते हैं। लर्निंग रोल से स्पेसिफाई करता है कि ये चेंजेस कैसे होंगी। तो उसके बाद है पीडीपी एंड लर्निंग। पीडीपी और लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग न्यूरल नेटवर्क मॉडल का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि इससे नेटवर्क अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करता है। जैसे कि एक लैब में एक कंप्यूटर इंग्लिश सेंटेंस पर पढ़ कर बोलना सीख रहा था और अपनी गलतियों से बेहतरी करता गया। उसके बाद है पीडीपी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब कि पीडीपी की अहमियत। पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल ने कंप्यूटर्स के काम में इम्प्रूवमेंट की है। सुपर कंप्यूटर जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि आजकल के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। और ये नादरा के पास भी सुपर कंप्यूटर और इसी तरह जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत फास्ट लेवल पे जो काम करती हैं, और जैसे कि बैंकिंग वगैरह वो भी सुपर कंप्यूटर्स का काम करती है, हवाई जहाज वगैरह भी सुपर कंप्यूटर्स उन्होंने रखे होते हैं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए काम करते हैं। पैरेलल सीरियल प्रोसेसिंग कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट है। इस तरह के पैराडॉक्स सॉल्व किए गए हैं कि हम एक ही वक्त में फॉरेस्ट और ट्रीज दोनों को देख सकते हैं। तो कैसी वीडियो लगी है आप स्टूडेंट्स को कमेंट्स में लाजमी बताएं, और जिन स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।